पानी पीने के लिए भी दिक्कत है वहाँ पर। आपको नींद आ रही है और आप गाड़ी चला रहे हो, वो सोते सोते गाड़ी जाके अंदर खाई में चली गई। तो भैया क्या है लेबर ऑफ डिग्निटी, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि इंडिया में कोई किसी को नहीं देता है। ये ड्राइवर है, मैं इनकी सेवाएं ले रहा हूँ, मैं इनसे कैसा व्यवहार करता हूँ, ये मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं बहुत मायने रखता है। थोड़ी देर पहले आए एरो सिटी में, पुलमैन होटल में एक इवेंट में था मैं, और वहाँ जब इनको कॉल किया गया लेने आए तो थोड़े परेशान थे, दिक्कत थी इनकी। तो आप पहले नाम बताइए अपना। मनोज नाम है। मनोज भाई कहाँ से हो आप? हरियाणा से। हरियाणा से हो, तो दिक्कत क्या आई आपको अभी जो जिसलिए परेशान थे आप? दिक्कत तो ये है ना, देखो ड्राइवर आदमी क्लाइंट को छोड़ने के बाद चाय पानी पीने चले जाता है, वहाँ चाय पानी कोई दुकान नहीं है, पानी पीने के लिए भी दिक्कत है वहाँ पर एरो सिटी पार्किंग में। फिर क्लाइंट फोन कर देता है भैया आ जाओ, और ड्राइवर साथ अक्सर होता है चाय पानी पीने जाएगा या खाना खाने के लिए जाएगा तो क्लाइंट का फोन आएगा, वैसे क्लाइंट कभी भी टाइम क्लियर नहीं बताता है भाई मैं इतने टाइम पे आ जाऊंगा आपके पास, लेकिन अब ऐसा होता है जी पार्किंग में हमारे साथ। फिर वहाँ पर पार्किंग में कोई सुविधा नहीं है ड्राइवर के लिए, पेमेंट लेते हैं लेकिन देखो सुविधा कुछ नहीं कर रखी उन्होंने, ना चाय है ना पानी है, बस वहाँ चुपचाप बैठे रहो, ना धूप धूप में परेशान होते रहो वहाँ पर। अच्छा, तो ये मनोज की वो दिक्कत थी जो उन्होंने सिर्फ एक छोटे से पार्ट में बताया आपको, लेकिन आपको बताता हूँ दिक्कत यहाँ से नहीं, दिक्कत यहाँ से शुरू होती है, ये कुछ और जूझ रहे होते हैं किसी और समस्या से, और दूसरे साइड में जो इंतजार कर रहा होता है वो इन पर भड़क रहा होता है। तो अगर आप उनमें से हैं जो इंतजार कर रहे हैं तो ड्राइवर की कुछ प्रॉब्लम को समझना, उससे पूछ लो कहाँ पे है क्या कर रहा है, ड्राइवर आपको गलत नहीं बताएगा, और ड्राइवर के साथ आप अच्छे से पेश आओ, क्योंकि समस्या क्या होती है जब वो ड्राइवर के साथ आप अच्छे से पेश नहीं आओगे तो आपकी पूरी जिंदगी उसके हाथ में होती है। और आपको इसे बताता हूँ, तो आपको लोग मनोज भाई सम्मान देते हैं जब आप जैसे आप कहीं टूर पे हो आए फिर तुरंत चले गए फिर आए चले गए, सोने उने का सही से वक्त मिलता है? अजी हर आदमी एक नहीं होता है, कोई आदमी तो हर चीज पूछता है, चाय पानी की पूछता है, खाने पीने की पूछता है, सोने की पूछता है, कहीं बाहर जाते हैं तो कई बंदे ऐसे होते हैं जिनमें मकरोड़ होती है, कुछ नहीं पूछते हमसे, ना चाय पानी पूछते, बस चलो भागम 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 बस, तो ऐसा होता है हमारे साथ एक्चुअली। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ मनोज भाई कि आपको नींद आ रही है और आप गाड़ी चला रहे हो? हाँ ऐसा हुआ है, कई क्लाइंट होते हैं जो दाब में होते हैं, वो दाब के चक्कर में गाड़ी पलट जाती है या फिर नींद में कहीं गाड़ी ठुक जाती है। नहीं, जैसे आपके आपके साथ कब ऐसा हुआ कि जब आपको नींद आ रही थी और जबरदस्ती आपको गाड़ी चलानी पड़ी? यमुना एक्सप्रेस पे आ रही, तो आपको नींद आई? हाँ नींद आई, फिर मैंने गाड़ी रोकने के लिए बोला क्लाइंट को, लेकिन क्लाइंट कह रहा है नहीं मेरे को जल्दी है, तू रात को सोते क्यों नहीं हो, तुम पहले क्यों नहीं बताते हो ड्यूटी आई तो। सर नींद का कोई पता है कब नींद आ जाए आदमी की, लेकिन कई क्लाइंट मिल जाते हैं तो वो पीछे बैठे, मैं कह रहा हूँ मैं चाय पानी के लिए गाड़ी रोकूंगा 10 मिनट के लिए, देखो मेरे को नींद सी आ रही थोड़ी, वो कह रहे नहीं नहीं मेरे को जल्दी है, वो बैठा बैठा पीछे कंपनी में हमारी मेल ठोक रहा है, बोला कि ड्राइवर कैसा भेज दिया इसको, नींद आ रही है, ये है वो है, अरे वो कंपनी वाले क्या करेंगे इसमें। अच्छा ये तो सोचो आप। तो अभी यहाँ पर मैं टोकूंगा मनोज को, तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या है कि एक रील शेयर किया था और आप सबसे रिक्वेस्ट किया था कि जो ड्राइवर आपके साथ में होता है अपने से ज़्यादा ख्याल उसका रखिए, क्योंकि आप मस्ती करने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, ऑफिशियल काम के लिए जाते हैं, लेकिन अगर आपका ड्राइवर नाराज़ है, वो अनकंफर्टेबल है, वो भी इंसान है आपकी तरह, उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और मुझे लगता है ड्राइवर कम्युनिटी में जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपने अपने प्रॉब्लम्स मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएँ और बताएँ कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो ये आवाज़ मैंने शुरू की है यहाँ से बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, जो ट्रैवल करते हैं ड्राइवर के साथ उन तक पहुँचे, और जो ड्राइव कर रहे होते हैं लोगों को लेके जा रहे होते हैं उन तक पहुंचे। तो यहाँ पर क्या होती है कि अगर ड्राइवर सही से नहीं सोया है तो वही हालत होगी जो आपको मैंने दिखाया था एक रील में कि एक गाड़ी इनोवा क्रिस्टा पूरी की पूरी ड्राइवर सो गया था, सबकी जान बच गई, ये अच्छी बात है, लेकिन वो सोते सोते गाड़ी जाके अंदर खाई में चली गई। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो ड्राइवर का ध्यान रखना है, और ड्राइवर भी इंसान है, ध्यान रखिएगा, अगर वो रात में सोया नहीं है और आपको लेके जा रहा है तो आपकी जान खतरे में है, अपने डर के चाहे डर को बिठा लीजिए अंदर कि भैया आपकी जान जा सकती है अगर ड्राइवर कंफर्टेबल नहीं है, या फिर लेबर ऑफ डिग्निटी जिसकी बात की थी कि ये भैया अपना काम कर रहे हैं मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सम्मान के अधिकारी हैं, मैं इनका सम्मान करूँगा, ये मेरा सम्मान करेंगे, कोई ओहदा यहाँ पर नहीं आता है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो वहाँ पर जो लेबर क्लास है, इवन जो सफाई कर्मी है, वो भी पूरी डिग्निटी के साथ पूरे सम्मान के साथ रहता है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एग्री करते हो मनोज भैया? हाँ जी। अब बताओ, मैं तो आपकी बात पहुंचा दी है,
आप क्या कहना चाहोगे जो आपकी गाड़ी में बैठे उनको बता दो, आप दे दो मैसेज कि वो कैसे आपसे साथ पेश आए, कैसा व्यवहार करें, आप बताओ। देखो जो व्यवहार कर ये है जी, हमें ड्राइवर को किसी से कोई मतलब नहीं है। देखो ड्राइवर अपनी तरफ से सर्विस देने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। देखिए वो बाहर भीतर जाता है क्लाइंट को, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कहाँ चलना है, कहाँ क्या क्या करना है, हर चीज। लेकिन क्लाइंट ऐसे ऐसे होते हैं, जैसे मैं मेरे को आगरा लेके चले गए 3 दिन के लिए, या मेरे को और नाइट आगरा लेके चले गए, मैं छोड़ दिया उनको, क्लाइंट कोई नहीं पूछता है भाई ड्राइवर भैया तू कहाँ सोएगा, कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा, इस गाड़ी में बताओ गर्मी के मौसम में कहाँ सोऊंगा। ये क्लाइंट का फर्ज बनता है ना, मैं मेरे लिए तो घूमने गया नहीं, लेकिन फर्ज बनता है क्लाइंट का पूछने का, भाई मैं आया हूँ आपके साथ तो आपका फर्ज तो थोड़ा सा तो बनता है, भैया आप बताओ कहाँ सोओगे, हम होटल में आपकी व्यवस्था करवाते हैं। होटल वाले बिना क्लाइंट बोले कोई होटल वाले रूम नहीं देता ड्राइवर को। तो सर एक्चुअली हमारे साथ होता है ये, लेकिन क्लाइंट को तो टाइम पे गाड़ी भी साफ चाहिए, टाइम पे ड्राइवर भी चाहिए, हर चीज, लेकिन ये चीज सर अक्सर होती है हमारे साथ। आपके साथ होती है, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद ये आपके साथ ना हो, इसलिए आपकी आवाज को बुलंद किया है। और अगर आपके पास कोई ड्राइवर है या आप ड्राइव टैक्सी बुक करते हैं, सर्विस लेते हैं टैक्सी ड्राइवर की, तो ये ध्यान रखिए आपको अपने से बहुत प्यार है ना, तो उस ड्राइवर से प्यार करिए, आप सुरक्षित रहेंगे और वो ड्राइवर जब आप उसे प्यार से बात करेंगे तो ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे अपना ट्रिप। ये मत समझिए कि जो आपकी गाड़ी चला रहा है उसका क्लास क्या है, उसका क्लास आपसे अव्वल है, क्योंकि वो आप सबकी जिंदगी उसके हाथ में है, आपको लेके आगे बढ़ रहा है। जरा सोचिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो अपनी वीडियोस में बनाता हूँ एक तथ्य पूर्ण बात आप तक पहुँचाई जाए और आप जागें। क्यों सो रहे हैं यार, किस उसमें जी रहे हैं, किसी को नहीं पता जिंदगी कितने दिन की है, हो सकता है यूं निकले यूं चली गई। तो अगर आप प्यार से पेश आओगे तो आपको लोग इज्जत करेंगे। और ये जो आपके ड्राइवर साहब है ना, सच बता रहा हूँ, जैसे मनोज मुझे मिले, अगर इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई ना होती तो ये मुझे खलनायक मान रहे होते, लेकिन अभी हम साथ में जा रहे हैं, हम चाय पियेंगे, आप चाय मत पिलाइए मैं बोलता हूँ, लेकिन ड्राइवर को सोने दीजिए, आराम करने दीजिए, अगर वो कंफर्टेबल नहीं कहीं रुकना चाहता है रुकने दीजिए, आप कितनी भी बिजी शेड्यूल में बैठे हैं, आपकी मीटिंग छूट रही है कोई बात नहीं है, 2-4 मिनट से कुछ इधर उधर नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 सेकेंड वो माइक्रो स्लिप बोलते हैं ना, अगर वो ड्राइवर को आ गई ना जबकि आ गई, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर मीटिंग आपका इंतजार करती रह जाएगी और आप किसी के लिए यहाँ पर नहीं बैठे होंगे और लोग आपका इंतजार थोड़े दिन में भूल जाएंगे। ये बहुत ही जरूरी बात थी, आप तक पहुँचाइए, फॉलो करिए, कि कैसा लगा वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मनोज जैसे बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, मैं चाहता हूँ जब ये चलें आपके साथ में तो भी अपने आप को प्राउड फील करें कि एक सवारी उनके साथ बैठी थी। बस मेरा काम हो गया है, अब आपकी बारी है कमेंट करने की। थैंक यू मनोज भाई, अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा।